आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th की हिंदी। क्लास 9th की हिंदी में, जैसे कि आप सभी को पता ही है, हमारे व्याकरण का खंड चल रहा है और व्याकरण में हम पढ़ रहे हैं समास। और समास में हम समास के भेदों को पढ़ रहे हैं और समास के हमने 6 भेद आप लोगों को बताए हैं, जिसमें से हमने शुरुआत के जो 2 भेद हैं, अव्ययी भाव समास और तत्पुरुष समास, हम पढ़ रहे हैं। तत्पुरुष समास के भी मैंने आप लोगों को बताया था 6 उपभेद होते हैं, जो कि हम अभी कंटिन्यू करेंगे, आगे पढ़ेंगे। तो जहां से आपने कल छोड़ा था अपनी कॉपी में, वहीं से आगे लिखना शुरू करेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया, ये केवल देखने की और सुनने की चीज नहीं है व्याकरण। इसको आप जितना हम आपको बताते जाते हैं, जितना हम आपको समझाते जाते हैं, उतना आपको लिखते रहना है अपनी कॉपी में समझते हुए। तो सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। अगर कोई डाउट है कहीं पे, कोई दिक्कत परेशानी है, तो आप चैट के माध्यम से बता सकते हैं। तो चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ, शुरू करते हैं आज का सेशन। आप सभी इसको कॉपी में अवश्य लिखिएगा। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, तत्पुरुष समास, और तत्पुरुष समास में हम इसके उपभेदों के बारे में पढ़ रहे थे। 6 उपभेद होते हैं। 6 उपभेदों में से जो नंबर 1 था अव्ययी भाव समास, ये हम पढ़ चुके थे। तत्पुरुष समास, समास भी हमने पढ़ा था कि क्या होता है तत्पुरुष समास, और तत्पुरुष समास के जो उपभेद हैं 6, उनको हम पढ़ रहे थे। तो तत्पुरुष समास के कौन कौन से 6 उपभेद मैंने आप लोग को बताए थे? सबसे पहले कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, और संप्रदान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष और अधिकरण तत्पुरुष समास। तो ये सारी चीजें हमने आप लोगों को पहले बताई थी। तो दो जो फर्स्ट था कर्म तत्पुरुष, इसको हम पढ़ चुके थे। और इसमें हमने कहा था कि पदों के बीच में कर्म कारक चिन्ह होता है, और कर्म कारक चिन्ह क्या होता है? कर्म कारक चिन्ह को होता है, ठीक है। फिर हमने करण तत्पुरुष पढ़ा था। करण तत्पुरुष में हमने कहा कि जहां पहले पद में करण कारक चिन्ह होता है, अर्थात जो पहला पद होता है उसमें करण कारक चिन्ह होता है। तो कौन सा होता है करण कारक चिन्ह? इसमें के द्वारा या से, ये हमारे करण कारक चिन्ह होते हैं। उसके बाद हम संप्रदान तत्पुरुष पढ़ रहे थे। संप्रदान तत्पुरुष में हमने संप्रदान तत्पुरुष में
हमने पढ़ा था कि इसमें दोनों पदों के बीच, इसमें भी दोनों पदों के बीच में जो संप्रदान कारक चिन्ह होते हैं वो दोनों पदों के बीच में होते हैं, और क्या होते हैं संप्रदान कारक चिन्ह के लिए। संप्रदान कारक चिन्ह होता है के लिए, तो इसके भी हमने बहुत सारे उदाहरण पढ़े थे। और उसके बाद हम अपादान तत्पुरुष आज पढ़ेंगे। नंबर 4 है अपादान तत्पुरुष। क्या होता है अपादान तत्पुरुष, ये हम आज पढ़ेंगे। कौन से कारक चिन्ह इसमें लगे होते हैं, कौन से कारक चिन्हों से इसको समझा जा सकता है, तो ये हम पढ़ेंगे। बिल्कुल ध्यान से सुनिए, समझने की कोशिश कीजिए और अपनी कॉपी में जरूर लिखिए। नंबर 4 है अपादान तत्पुरुष। अपादान तत्पुरुष क्या होता है, इसमें दोनों पदों के बीच में कारक चिन्ह छिपा हुआ होता है, दोनों पदों के बीच में कारक चिन्ह होता है। तो पॉइंट लिखेंगे, इसमें दोनों पदों के बीच में कारक चिन्ह होता और कारक चिन्ह क्या होता है, कौन सा कारक चिन्ह होता है, अपादान कारक चिन्ह से या से अलग, से या से अलग। से अलग होता है, से या से अलग होता है, उसे अपादान तत्पुरुष कहते हैं। ठीक है, तो आप ये याद रखेंगे कि दोनों, आप इसको एक लाइन में भी याद कर सकते हैं कि इसमें दोनों पदों के बीच में अपादान कारक चिन्ह से या से अलग होता है, उसे अपादान तत्पुरुष कहते हैं, से या से अलग। तो किस तरह से इसके हम उदाहरण लिखेंगे, उदाहरण के तौर पर कामचोर, या रोगमुक्त, या पथ भ्रष्ट, या पाप मुक्त। तो किस प्रकार से हम इसको लिखेंगे, कामचोर, काम से जी चुराने वाला, काम से जी
चुराने वाला, रोग मुक्त, रोग से मुक्त, पथ भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट, पाप मुक्त, पाप से मुक्त। तो इस तरह से हम इनके एग्जाम्पल से इन्हें समझ सकते हैं। और भी एग्जाम्पल, और भी जिस प्रकार रोग मुक्त है उसी प्रकार हम जन्म रोगी या रण विमुख या और भी एग्जाम्पल हम इसके, या दूरागत, इस प्रकार के और भी एग्जाम्पल हम इसके बता सकते हैं। या मन चाहा, या फिर धनहीन, इस तरह के, जिसमें कौन सा कारक चिन्ह आए, जिसमें से कारक चिन्ह दोनों पदों के, प्रथम पद और उत्तर पद दोनों पदों के बीच में कारक चिन्ह होता है। तो दोनों पदों के बीच में कारक चिन्ह अर्थात पाप से मुक्त, पाप मुक्त, पथ से भ्रष्ट, पथ भ्रष्ट, रोग से मुक्त, रोग ग्रस्त, ठीक है, या रोग मुक्त, रोग से ग्रस्त भी लिख सकते हैं, रोग ग्रस्त, या रोग से मुक्त, रोग मुक्त, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर जो अपादान तत्पुरुष है ये हमने पढ़ा, शायद आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई दिक्कत है तो फिर से हम आपको रिवाइज करेंगे, आप इसको एक बार लिखिए, और भी इस तरह के एग्जाम्पल आप ढूंढिए और उसको उनको सॉल्व करने की, इस तरह से उनको लिखने की कोशिश कीजिए। क्योंकि एग्जाम में अक्सर क्या होता है कि कौन सा समास है, इस तरह आपको एक शब्द दे दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा कि इसमें कौन सा समास है, लेकिन जब तक आप विग्रह करके नहीं देखेंगे कि कौन सा कारक चिन्ह आ रहा है, किस स्थान पर आ रहा है, कौन सा जो पद है वो प्रथम पद है, कौन सा पद जो है वो प्रधान पद है, ये सारी चीजें अगर आपको नहीं पता होंगी तो आप इन इस तरह के प्रश्नों को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। कर भी लेंगे तो बहुत बार क्या होता है, गलत हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, संबंध तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष, क्या होता है संबंध तत्पुरुष? देखिए, संबंध तत्पुरुष में भी हम इसको बिल्कुल ऐसे ही पॉइंट वाइज समझेंगे। इसमें दो पदों के बीच में संबंध कारक चिन्ह अर्थात संबंध बताने वाला जो चिन्ह होता है वो छिपा हुआ होता है या होता है। तो इस तरह से लिखेंगे कि इसमें दो पदों के बीच, इसमें दो पदों के बीच कारक चिन्ह होता है। छिपा होता है। और क्या होता है संबंध तत्पुरुष या संबंध कारक चिन्ह, क्या होता है इसमें? संबंध कारक चिन्ह क्या होते हैं? संबंध कारक चिन्ह का के की
होता है? क्या होता है संबंध कारक चिन्ह? का, के, की। ठीक है, तो एग्जाम्पल्स से समझेंगे। जैसे सबसे इजी, बार बार रिपीट हो रहा है, राज पुत्र या राज महल। या मूर्ति पूजा, जल धारा, सीमा रेखा, तो राजपुत्र। या इसको राजपुत्र हम बार बार पढ़ रहे हैं तो इसको हम राजपुत्री कर देते हैं, क्योंकि एक ही जो शब्द है वो बार बार आ रहा है, तो राजपुत्री अर्थात राजा की पुत्री। राजमहल राजा का महल। मूर्ति पूजा मूर्ति की पूजा। जलधारा जल की धारा। सीमा रेखा सीमा की रेखा। तो इस तरह से हम संबंध तत्पुरुष समास को समझ सकते हैं, जिसमें का के की संबंध कारक चिन्ह होते हैं, और ये संबंध कारक चिन्ह दोनों पदों के बीच में होते हैं। जैसे राजमहल, तो राज और महल के बीच में संबंध कारक चिन्ह है का, अर्थात राजा का महल। जलधारा, जल और धारा के बीच में संबंध कारक चिन्ह है की, अर्थात जल की धारा। सीमा रेखा अर्थात सीमा की रेखा। सीमा प्रथम पद, रेखा द्वितीय पद, दोनों को जो जोड़ने वाला है, दोनों में जो संबंध बनाने वाला शब्द है, विभाजक शब्द है, उसको हम वो है की। तो इस तरह से हम संबंध कारक, जो संबंध तत्पुरुष समास जो है उसको हम पढ़ेंगे। यहाँ पे संबंध तत्पुरुष जो समास है उसका यहाँ पर आपको एग्जाम्पल मैंने दे दिया, कुछ एग्जाम्पल आप लोग भी इस तरह के लेंगे और फिर इसी तरह समास विग्रह करके देखेंगे कि किस तरह के यहाँ पर आपको कारक चिन्ह मिल रहे हैं और कौन कौन से इसमें समास हो सकते हैं। तो ये मैं आपको लास्ट में, जब हमारी क्लास का एंड होगा, उसमें मैं आपको एक्सरसाइज दूंगी, उसमें बहुत सारे प्रश्न आपको इस तरह के मिलेंगे, जिससे आपको बहुत अच्छे से ये सारी चीजें कंफर्म हो जाएंगी, पता चल जाएंगी। आगे बढ़ते हैं, अधिकरण तत्पुरुष। अधिकरण तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष क्या होता है? इसमें भी जो दोनों पद होते हैं उनके बीच में कारक चिन्ह होता है, और अधिकरण कारक चिन्ह या विभक्ति चिन्ह क्या होते हैं? मैं या पर होते हैं। यहाँ पर इसको हम पूरा एक लाइन में लिखकर मैं आप लोगों को समझाती हूँ।
इसमें दोनों पदों के बीच अधिकरण कारक चिन्ह में पर होता है। इसमें दोनों पदों के बीच का जो अधिकरण कारक चिन्ह होते हैं, मैं और पर होता है, इसे ही अधिकरण तत्पुरुष समास कहते हैं। तो अधिकरण तत्पुरुष समास जो है उसमें कारक चिन्ह मैं या पर होते हैं। तो जैसे एग्जाम्पल्स, कार्य कुशल, या जलमग्न, जल जलमग्न। या आप बीती। या शरणागत, या सिरदर्द, कार्य कुशल अर्थात कार्य में कुशल, जलमग्न जल में मग्न, आप बीती, आप अर्थात स्वयं अपने आप पर, आप पर बीती। शरणागत शरण में आगत, सिरदर्द सिर में दर्द। तो आशा करती हूँ कि आप सभी साथ के साथ सारी चीजें लिख भी रहे होंगे, क्योंकि सारी चीजें आप देख पा रहे हैं कि बहुत ज्यादा एक दूसरे से मैच कर रही हैं, बिल्कुल एक दूसरे की तरह ही है। तो अगर कभी ऐसा होता है कि एग्जाम में इस तरह के जब शब्द आते हैं तो आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं और सारे जो समास है वो अक्सर गलत हो जाते हैं हमारे। भले ही हमें चीजें आती है लेकिन हम बहुत ज्यादा कंफ्यूज कर जाते हैं और गलत चीजों को कर देते हैं। तो बिल्कुल ध्यान से समझिए कि कौन से समास में, किस तरह के समास में, समास का कौन सा भेद है, कौन सा समास का कौन सा उपभेद है, और उस उपभेद में कौन सा कारक चिन्ह। क्योंकि जैसे कि मैंने तत्पुरुष समास के जब मैंने पढ़ाया था तो उसी में मैंने कहा था कि इसमें कारक चिन्हों का लोप हो जाता है, अर्थात जब हम कारक चिन्हों को पढ़ते हैं तो इस समास के अंतर्गत अर्थात तत्पुरुष समास में कारक चिन्हों का लोप हो जाता है।
तो इसीलिए इसी लोप के कारण अर्थात लोप की कौन कौन से कारक चिन्ह होते हैं और उन कारक चिन्हों का लोप हो जाता है, तो उसके ही आधार पर यहाँ पर 6 भागों में तत्पुरुष समास को बांटा गया था। तो तत्पुरुष समास के जो उपभेद है वो हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिए हैं, यानी कि हमने तत्पुरुष समास के हमने जो सारे उपभेद हैं वो हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम समास के तीसरे भेद की तरफ बढ़ेंगे। समास का तीसरा भेद पढ़ेंगे, कर्मधारय समास। सबसे पहले हमने पढ़ा था अव्ययी भाव समास, दूसरा हमने पढ़ा था तत्पुरुष समास, आज हम समास के तीसरे भेद को पढ़ेंगे, कर्मधारय समास। अभी तक जो हम पढ़ रहे थे वो तत्पुरुष समास के 6 उपभेदों में से एक थे। अब आगे बढ़ते हैं, नंबर 3, कर्मधारय समास। कर्मधारय समास क्या होता है? तो कर्मधारय समास क्या होता है, इसमें समास का उत्तर पद अर्थात बाद का जो पद होता है वो पूर्व पद और उत्तर पद में बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। समास की प्रक्रिया के दौरान जो बना हुआ सामासिक शब्द होता है वो 2 पदों से मिलकर बनता है, पूर्व पद और उत्तर पद। जिस तरह अगर मैं यहाँ पर राजपुत्र लिख रही हूँ या राजमहल लिख रही हूँ या कोई भी चीज, किसी भी तरह का सामासिक शब्द अगर मैं लिख रही हूँ तो जो इस तरफ का पद होगा उसे प्रथम पद कहेंगे और जो इस तरफ का पद होगा उसे उत्तर पद कहेंगे। तो इस तरह सामासिक जो समास की प्रक्रिया के दौरान जो बना हुआ शब्द है उसमें 2 पद होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद। और कर्मधारय समास में दूसरा पद अर्थात जो उत्तर पद होता है, बाद का पद जो होता है वो प्रधान पद होता है और इस समास में विशेषण, विशेष्य और उपमेय तथा उपमान से ये जो समास होते हैं ये विशेषण और विशेष्य पता है सभी को। विशेषण अर्थात जो विशेषता दी जाती है, विशेष्य अर्थात जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं और जो विशेषता बताई जाती है उसे विशेषण कहते हैं। उपमेय और उपमान ठीक है से मिलकर बने होते हैं उसे कर्मधारय समास कहते हैं। तो इसको पहले तो बिल्कुल ठीक इसी प्रकार से लिख कर समझ लेते हैं कि क्या होते हैं कर्मधारय समास। तो बिल्कुल इसी तरह लिखिए, इस समास का इस समास का उत्तर पद प्रधान होता है। इस समास का उत्तर पद अर्थात जो बाद का पद है वो समान होता है और इस समास में विशेषण और विशेष और उपमान और उपमेय से मिलकर बनते हैं और ये समास जो होते हैं प्रधान होता है, यह समास किससे बनते हैं, विशेषण एवं विशेष्य और उपमान तथा
उपमेय। से मिलकर बने ये जो समास होते हैं ये विशेषण एवं विशेष्य और उपमान तथा उपमेय से मिलकर बने होते हैं और इसे क्या कहते हैं, इसे कर्म धारय समास कहते हैं। इसे कर्मधारय समास कहते हैं। अब कर्मधारय समास के कुछ उदाहरण पढ़ लेते हैं। उदाहरण किस प्रकार समझेंगे हम इन्हें, ये आपने देख लिया कि ये जो होते हैं विशेषण और विशेष और उपमान तथा उपमेय से मिलकर बने होते हैं और हमेशा उत्तर पद, हमेशा उत्तर पद जो होता है वो प्रधान होता है। उत्तर पद हमेशा प्रधान पद होता है, अर्थात जो बाद का पद है वो प्रधान होता है। चरण कमल, पीतांबर, महात्मा, नवयुवक, चंद्रमुख, विशेषण और विशेष। विशेषण अर्थात जो विशेषता दी गई है, विशेष अर्थात जिसकी विशेषता दी गई है। तो यहां पर लिखा हुआ है चरण कमल, अर्थात कमल के समान, कमल के समान चरण। किस तरह की उपमा दी गई है, कमल के समान चरणों की उपमा दी गई है। पीतांबर, पीतांबर अर्थात पीत है जो अंबर, पीत है जो अंबर। तो अंबर को पीला होने की अर्थात पीले अंबर की विशेषता बताई गई है। महात्मा, महान है जो आत्मा, महान है जो आत्मा वो कौन है, महात्मा। नवयुवक अर्थात नव है जो युवक, चंद्रमुख चंद्र जैसा मुख, चंद्रमा की उपमा दी गई है, चंद्र जैसा मुख। तो इस प्रकार अर्थात जहां पर दूसरा पद अर्थात उत्तर पद प्रधान हो तो कमल के समान चरण, तो चरणों की यहाँ पर विशेषता बनाई बताई गई है कि वो कमल के समान है, अर्थात जो उत्तर पद है
कमल जो है वो क्या है आपका उत्तर पद जो है वो प्रधान पद है, अर्थात कमल के समान चरण, कमल को यहां पर प्रधानता दी गई है। पीतांबर अर्थात पीला है जो अंबर, अंबर को यहां पर बताया गया है कि अंबर कैसा है, पीला है। महात्मा अर्थात आत्मा की विशेषता बताई गई है कि आत्मा किस तरह की है, महान है। नव युवक, नव युवक अर्थात युवक के बारे में बताया है, युवक की विशेषता दी गई है कि वो अभी नव युवक है। चंद्रमुख अर्थात मुख की विशेषता को बताई गई है, मुख की उपमा की गई है चंद्रमा से। तो यहाँ पर दूसरा पद आप देख रहे होंगे, इसमें दूसरे पद की जो प्रधानता है वो आपको यहाँ पर कर्मधारय समास में दिखाई दे रही है। कर्मधारय समास के कुछ भेद भी होते हैं, कर्मधारय समास के इसके कुछ चार भेद होते हैं, जैसे विशेषण पूर्व पद कर्मधारय समास, फटाफट से लिख लेते हैं इनको फिर आगे बढ़ेंगे। विशेषण पूर्व कर्म धारे समास नंबर दो, विशेष पूर्व पद कर्मधारय समास नंबर थ्री, विशेषणोद्भव, विशेषणोद्भव पद। कर्मधारय समास और विशेष्यो भाई पद अद कर्मधारय समास। तो इन सभी समासों को हम विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे, इसको आप पहले इसी तरह अपनी कॉपी में उतार लीजिए। आज का जो ये हमने समास के जो तत्पुरुष समास के सभी भेदों को पढ़ लिया है, इसको एक बार अवश्य घर में एक बार रिवाइज कीजिए, क्योंकि मैंने जैसे कि आपको बताया कि ये बहुत सारी चीजें इसमें ऐसी हैं जो हमें याद करने वाली हैं कि कौन से समास में कौन सा विभक्ति चिन्ह या कौन सा कारक चिन्ह प्रयुक्त होता है। अगर हम एक बार हम इन सब चीजों को अच्छे से, क्योंकि ये चीजें होंगी प्रैक्टिस से, अगर हम बार बार इस तरह के प्रश्नों को हल करेंगे तो हमें बहुत अच्छे से इसकी प्रैक्टिस हो जाएगी और हम इसको अच्छे से कर भी पाएंगे। तो ये आज आपका आप इसको एक बार घर में अच्छे से पढ़ेंगे, कल फिर हम इसके ऊपर एक एक्सरसाइज करेंगे पूरी, जिससे आपको ये सारे समास जो है बहुत अच्छे से कंफर्म हो जाएंगे। तो समास के भेदों का जो ये शेष भाग है इसको हम अगले सेशन में कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।